Hello everyone. Future is... May I have your attention, please? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Let's get started, everybody. Yes, sir. ठीक है, तो किसी ने डिफरेंस पूछा है कि बी और बिकम का क्या डिफरेंस है? ओके, सर, देखते हैं। समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा है। देखते हैं, कोशिश करते हैं। ओके जी, देखिए यहाँ पर एक लेडी है, ये इस वक्त अपने कमरे में है, रूम में है। ये रूम में है, इट मीन्स कि रूम में होना इसका क्या हो गया? स्टेट ऑफ बीइंग, ऑफ बीइंग हो गया। प्रेजेंट में रूम में है, तो अगर कोई प्रेजेंट में रूम में है तो खुद को कैसे बोलेगी? आई के साथ क्या लगाएगी? आई एम इन द रूम। एक घंटे बाद ये लड़की बस स्टॉप पर होगी। आई विल बी यह है बस स्टॉप, ये बस स्टॉप पर होगी। अब ये लड़की बैठे बैठे अपने कमरे में बैठे बैठे बोलेगी, गाइस एक घंटे बाद मैं बस स्टॉप पर होंगी, तो कुछ ऐसे बोलेगी, आई विल बी एट द बस स्टॉप आफ्टर एन आवर। आप में से कितनों को लगता है कि ऐसे बोले कि आई विल बिकम एट द बस स्टॉप, क्या ये बोल सकती है? नो सर, नो। तो जब ये बोल नहीं सकती तो दोनों में क्या डिफरेंस है? इतना बड़ा डिफरेंस दिख रहा है कि दोनों एक है ही नहीं। पहला जो पॉइंट है कि दोनों एक कहाँ है? अगर दोनों एक होता तो आप इसकी जगह ये यूज करके कहते कि सर इन दोनों में से कौन सा यूज करें। यहाँ साफ, यहाँ तो बिल्कुल क्लियर पता चल गया कि ये आम है तो ये इमली है, ये पता चल रहा है ना? यस, यानी कि बी और बिकम का कहीं पर होने की अवस्था में स्टेट ऑफ बीइंग दिखाने के सेम आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ओके, जैसे आधे घंटे बाद वो यहाँ होगी, शे will be here, after half an hour. अब किसी ने बोला सर बी और बिकम एक ही तो है, ये लगा देते ना, she will become here, लगा देते हैं, क्या दिक्कत है? तो यहाँ पर तुरंत आप कहोगे नहीं नहीं एक नहीं, एक नहीं, सॉरी 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 एक नहीं है। तो यहाँ पे तो भैया एक ही नहीं है। ओके, तो आप इसका इंटरचेंजेबली इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब ये कहाँ पे एक जैसा दिखता है वो करते हैं बात, करें तो देख लीजिए, अब बहुत इत्मीनान से समझना होगा। बिकम, बिकम भी हमारा दिखाता है चेंज इन स्टेट। अच्छा, चेंज इन स्टेट यानी कि इसमें ट्रांसफॉर्मेशन दिखता है, कोई चीज ट्रांसफॉर्म हो रहा है ना, ट्रांसफॉर्मेशन। एक मिनट, क्यों ऐसे रह गया बीच का? ऐसे रह गया। ट्रांसफॉर्मेशन दिखता है, कैसे दिखता है? यहाँ पर एक लड़की है, ये लड़की कह रही है कि एक दिन, जैसे अभी एक स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट है, अभी कह रही कि एक दिन मैं डॉक्टर बनूंगी, अब एक दिन डॉक्टर ये बनेगी, तो डॉक्टर बनेगी मतलब ये अभी एक स्टूडेंट है, अब इसका ट्रांसफॉर्मेशन देखना, क्या करेगी ये? एडमिशन लेगी किस में? MBBS ऐसा कुछ होता है ना कोर्स, ये एडमिशन लेगी, मतलब अभी ये
एक नॉर्मल स्टूडेंट है, एक नॉर्मल स्टूडेंट पहला ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, इस अवस्था से किस अवस्था में घुसेगी, MBBS में एडमिशन लेना। अभी पूरा पढ़ेगी पढ़ेगी पढ़ेगी, पास होगी होगी होगी, और अचानक एक दिन ये टेस्ट वेस्ट देकर क्या बन जाएगी, डॉक्टर। डॉक्टर तो आपको पूरा इसकी अवस्था में परिवर्तन दिखा नहीं, इतना पढ़ाई लिखाई इंटरव्यू, अभी क्या बन गई, डॉक्टर। तो अगर कोई कोई व्यक्ति अगर ये बोलता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, और अगर उसको पूरा अपना ये स्ट्रगल दिखाना है, तो वो कैसे बोलेगा, आई विल बिकम अ डॉक्टर एक दिन, वन डे। जैसे मैं एक बॉडी बिल्डर बनूंगा, आई विल बिकम अ बॉडी बिल्डर। मैं एक एक्टर बनूंगा, आई विल बिकम एन एक्टर। जैसे हम कल गेट को देख रहे थे, तो हमने कहा था कि गेट के बाद 99% क्या आता है, एडजेक्टिव, है ना, एडजेक्टिव। उसी तरीके से बिकम के बाद 99% क्या आता है, नाउन। जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, एक्टर, ये सब क्या है, एक नाउन है, नाउन है ना, एक चीज, एक नाम है, ये आता है। अब एक बंदा कहता है कि सर हम ऐसे भी तो कह सकते हैं, आई विल बी अ डॉक्टर। जैसे आप कह रहे हो कि आई विल बिकम अ डॉक्टर, तो क्या हम ऐसे नहीं बोल सकते, आई विल बी अ डॉक्टर। तो अब डिफरेंस, अब देख लीजिए डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है, मैं कल गेट वाले को उठा के आपको दिखाता हूँ। गेट वाले में था, वो खुश थी, शी वॉज हैप्पी। दो घंटे बाद वो दुखी होगी, शी विल बी सैड आफ्टर टू आवर्स। ध्यान देना, और शी विल गेट सैड आफ्टर टू आवर्स। कोई है जो डिफरेंस बता दे, विल बी सैड और गेट सैड में? यस सर, गेट वो अवस्था परिवर्तन होगा जब देखा जाएगा, लेकिन बी मतलब अचानक हो जाएगा, हम लोग नहीं देख पाएंगे। हाँ, हम लोग नहीं वो पढ़ नहीं पाएंगे। यानी कि यहाँ पर एक लड़की है, विल मतलब जी, यहाँ पर एक लड़की है, विल भी होएगी। अब हिंदी की तरह ना देखें, मैं अंग्रेजों के हिसाब से आपको सिखाता हूँ, वो गागे की छोड़ दीजिए। एक लड़की है, ये लड़की अभी क्या है, खुश है, तो मैं क्या बोलूँगा, शी इज हैप्पी, हैप्पी प्रेजेंट टाइम में खुश है, हैप्पी, शी इज हैप्पी। और मैं कह रहा हूँ कि देखो भाई ये खुश है ना, अभी देखना, अभी इसकी मम्मी को आने दो, जिसकी इसकी मम्मी आएगी देखना ये उदास हो जाएगी। यानी कि जब इसकी मम्मी आएगी, इसको कुछ बातें बोलेगी, तो ये हैप्पी से किस अवस्था में चली जाएगी, उदास अवस्था में चली जाएगी। यानी कि हमें इसकी अवस्था परिवर्तन होते हुए दिखेगा। तो यहाँ पर बताओ, मैं विल भी लगाऊं कि विल गेट लगाऊं? गेट, विल गेट, है ना, कि भाई जब इसकी माँ आएगी, व्हेन हर मदर कम्स शी विल गेट अपसेट या सैड, यही ना, She will get upset, बोल दो, sad बोल दो। तो get का मतलब है कि देख लेना, ये एकदम अभी खुश है, अचानक तुम देखोगे इसके चेहरे में परिवर्तन, इसकी अवस्था बदल जाएगी। यानी कि get का मतलब है होते हुए दिख रहा है, you know? परिवर्तन दिख रहा है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ कि after 2 hours she will be sad, तो will be sad का मतलब है कि अगर 2 घंटे बाद तुम आओगे, तो जब तुम्हारी नज़र पड़ेगी, तो ये पहले से ही सैड रहेगी, ये सैड अवस्था में दिखेगी। तुम इसको खुश से सैड में होते हुए नहीं देख पाओगे। जैसे कि अभी अभी क्या है, अभी क्या है, ये हैप्पी है, शी इज़ हैप्पी। क्या तुमने इसको हैप्पी होते हुए देखा? नहीं। जब तुम्हारी नज़र पड़ी, तो तुम्हें कैसे दिखाई दी, हैप्पी। 2 घंटे बाद तुम कहीं से घूम के आओ, जब तुम्हारी नज़र पड़ेगी, तो ये कैसी दिखाई देगी, सैड। यानी कुछ भी तुम्हें होता हुआ चेंज नहीं दिखाई देगा, कि अभी खुश से अचानक सैड में घुसते हुए नहीं दिखेगी। तो जहां पर चेंज ना दिखे, वहां क्या लगाना पड़ता है, बी लगाना पड़ता है, चेंज ना दिखे। तो बताओ कि एक दिन मैं एक्टर होऊंगा, वन डे आई विल बी एन एक्टर। यानी कि अभी मेरी अवस्था क्या है, आई एम अ टीचर, मेरी अवस्था है आई एम अ टीचर, ठीक है, मैं एक टीचर हूं।
अब मैं कहता हूँ कि एक साल बाद मैं एक्टर होऊंगा, तो वन ईयर लेटर आई विल बी एन एक्टर। इसका मतलब है कि मैं इसमें कोई चेंज नहीं दिखा रहा हूँ, ये मेरी अभी की स्टेट ऑफ बींग है, ये मेरे फ्यूचर की स्टेट ऑफ बींग है। इस सिर्फ एक स्टेट ऑफ बींग है कि अभी मैं क्या हूँ, टीचर, फ्यूचर में क्या होऊंगा, एक्टर, बस। लेकिन अगर मैं ऐसे बोलता हूँ कि वन ईयर, यू नो, वन ईयर लेटर आई विल बिकम एन एक्टर, बिकम एन एक्टर का मतलब है कि टीचर से बदलूंगा, यहाँ से परिवर्तन होते 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 एक दिन किस में घुस जाऊंगा, एक्टर में, और ये बनकर तैयार हो जाऊंगा। ये डिफरेंस है बस। तो बिकम का मतलब है कि चेंज इन स्टेट, स्टेट में परिवर्तन को दिखाता है। तो जो इंसान बोलेगा उसको सोचना है कि वो बिकम बोलेगा तो सुनने वाले को क्या लगेगा कि अच्छा एक दिन ऐसे 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 करके ये एक दिन तो बन जाएगा, एक दिन तो ये बंदा बन जाएगा। और खाली बोले मैं बस स्टॉप पे होऊंगा, मैं एक एक्टर होऊंगा, मैं छत पर होऊंगा, बस ये मेरे फ्यूचर का एक स्टेट ऑफ बींग है, मैं चोर होऊंगा, डाकू होऊंगा, बस। तो बताइए बताइए कि मैं एक दिन, कोई लड़का बोले, वो पुलिस वाला है, बोले कि एक दिन मैं चोर बन जाऊंगा, यानी कि पुलिस से तब्दील होकर क्या बन जाएगा वो, चोर। तो क्या बोलेगा, लेकिन वो सीधा सर इट मींस बिकम इज एक्शन और हाँ जी, वो गेट भी तो एक्शन ही था, गेट भी तो एक्शन ही था, क्योंकि जब भी चेंज दिखाई देगा तो बदलता हुआ एक्शन में ही दिखाई देगा। ओके, और यहाँ बंदा बोले कि एक दिन भैया मैं चोर हूँगा, तो वन डे आई विल बी अ थीफ, विल बी अ थीफ। ये बस एक मेरा फ्यूचर का स्टेट ऑफ बींग है, मैं कैसे बनूंगा, मैं क्या गुल खिलाऊंगा कुछ पता नहीं, 10 साल बाद तुम देखोगे तो मुझे इस अवस्था में तुम पाओगे, बस। तो बी के अंदर कोई परिवर्तन होता हुआ नहीं दिखता है, बस ये अंतर है जी। It means sir became or get is same। हाँ, लेकिन get ज्यादातर adjective के लिए है ना, मैंने कहा ना adjective, ये noun नहीं use। हाँ, get में सबसे ज्यादा चलता है adjective, हालांकि कोई noun लगा दे कोई बात नहीं, और become में सबसे ज्यादा क्या चलता है, noun चलता है। लेकिन अगर कोई बोल दे कि I became happy तो गलत थोड़ी हो जाएगा, अगर कोई बोल दे आई बिकेम हैप्पी सर तो हो गया परिवर्तन। सर प्लीज डोंट माइंड, प्लीज कैन यू प्लीज रिपीट दिस वन। कहां से रिपीट करूं सर, बिकम वन सर, बिकम और बी का सर जो डिफरेंस है। सर एक्चुअली आई एम ऑन बी सर, आई डोंट हर्ट व्हाट यू टीच सर, आई डिडंट हर्ट। ओके ओके ठीक है ठीक है, अब इनके लिए मुझे शॉर्टकट का सहारा लेना पड़ेगा। देखो बालिका, सॉरी सर, कोई बात नहीं, बिकम का मतलब है कि बी प्लस कम। ये सही बात है, फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, यानी कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में घुस जाना। जैसे एक बंदा मान लो कि वो एक एक्टर है, तो मैं कहूँगा कि ये एक एक्टर है, ही इज एन एक्टर, लेकिन वो पॉलिटिशियन, क्या बोलते हैं, पॉलिटिशियन बन गया, मतलब कि अब एक्टर की अवस्था से किस में घुस गया, दूसरी अवस्था में पॉलिटिशियन बन गया, तो मैं क्या बोलूँगा, ही बिकेम अ पॉलिटिशियन, ऐसे करके बात करूँगा। तो यानी कि इससे साफ पता चल रहा है कि अच्छा ये बिकेम पॉलिटिशियन का मतलब कि पॉलिटिशियन पहले था नहीं, पहले जरूर कुछ रहा होगा, यू नो, एक इसकी अवस्था पहले से रही होगी, अब ये घुस गया। ये बिकम का मतलब है कि कहीं से तो ये एंट्री मारा है किसमें, पॉलिटिशियन, तो बिकेम लगाने का ये मतलब है। तो और जैसे कि कोई बंदा एक सिक्योरिटी गार्ड था, यू नो, सिक्योरिटी गार्ड जो भी स्पेलिंग है, सिक्योरिटी गार्ड, और एक दिन ही पुलिस बन गया, तो मतलब कि सिक्योरिटी गार्ड की अवस्था से चेंज होके कहाँ चला गया, पुलिस बन गया, पुलिस की अवस्था में चला गया ना। मुझे ना कोई और कीवर्ड लेना पड़ेगा, ये तो मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। तो कैसे होगा कि
हम मैं बोलूँ कि मेरे सोसाइटी का सिक्योरिटी गार्ड पुलिस बन गया, तो कैसे बोलोगे कि द सिक्योरिटी गार्ड ऑफ माय सोसाइटी बिकेम अ पुलिस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर बन गया। तो चेंज हुआ तो हम बिकेम लगाएंगे, यहाँ पर बी कैसे लगा सकते हैं, क्या कोई लगा सकता है बी? बी लगा ही नहीं पाएंगे, परिवर्तन हो गया तो यही लगाना पड़ेगा। अच्छा, अगर ऐसा बोलना है कि एक दिन आज तुम उसे सिक्योरिटी गार्ड के रूप में देख रहे हो, दो साल बाद वो इस थाने का इंचार्ज होगा, यानी कि उसकी स्टेट ऑफ बीइंग होगी, बदलता हुआ नहीं दिखा रहे। मैं बोलूँगा कि टुडे ही इज अ सिक्योरिटी गार्ड, वन डे। अब देखो Will be. जैसे मैं बोल रहा हूँ टुडे ही इज, तो ही इज का मतलब है कि इसकी प्रेजेंट की स्टेट ऑफ बीइंग, प्रेजेंट में, इसमें कोई एक्शन थोड़ी हो रहा है, कोई परिवर्तन नहीं है। इस वक्त ही कौन है भैया? ये गार्ड है, है ना। अब मैं बोलूँ कि ठीक दो साल बाद ये इस थाने का इंचार्ज होगा, तो ही विल बी इंचार्ज ऑफ दिस, हाँ द इंचार्ज ऑफ दिस पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन इंचार्ज में स्पेस है, ही विल बी द इंचार्ज ऑफ दिस पुलिस स्टेशन, यानी कि जैसे अभी सिक्योरिटी गार्ड है वैसे कुछ दिन बाद ही इंचार्ज होगा। लेकिन कोई बोले कि देखना ये एक दिन इसका इंचार्ज बन जाएगा, मतलब परिवर्तन दिखाए, तो क्या हो जाएगा? ही विल बिकम इंचार्ज ऑफ दिस अच्छा, अगर कोई बोले जैसे किसी ने, यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत लड़की है, हम पढ़ाए हमारे एग्जांपल में लड़की ना हो, इम्पॉसिबल, तो यहाँ वो भी बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, अच्छा बहुत भी तो लंबा होता है आपका थोड़ा सा, ये तो स्टैचुएस से शुरुआत होती है। अच्छा, यहाँ पर एक लड़का है, एक बार देखिए रिकॉर्ड हो भी रहा है कि नहीं, एक मिनट, तो दिख ही नहीं रहा रिकॉर्डिंग, कुछ और खुल गया। सर आई एम गोइंग टू से दैट दिस वीडियो विल बी अपलोडेड, ओके, या इट इज बीइंग रिकॉर्डेड, ओके, दिखाई दे रहा है, ओके, यहाँ पर एक लड़का है, ये इस लड़के का प्रेजेंट टाइम, ये इस लड़की का प्रेजेंट टाइम, दोनों प्रेजेंट टाइम में खड़े हैं। अब ये लड़का कह रहा है कि देख भाई, अपने दोस्त से कह रहा है कि हे बॉडी कैन यू सी दैट गर्ल, एक दिन मैं उसका बॉयफ्रेंड होऊंगा, सिर्फ इतना बोलना है। तो क्या मैं अभी हूँ? अभी नहीं हूँ, अभी मेरी स्टेट ऑफ बीइंग है कि आई एम नॉट, यहाँ एम का इस्तेमाल है, आई एम नॉट हर बॉयफ्रेंड, बट वन डे क्या होगा, मैं उसका बॉयफ्रेंड होऊंगा, खाली इतना बोलना है, आई विल बी हर, खाली होऊंगा, बस मुझे स्टेट ऑफ बीइंग दिखाना है। और यही एक बोले, इससे पता चला बॉयफ्रेंड मिला हुआ रहता है, बॉयफ्रेंड में स्पेस नहीं रहता है, ओके। अच्छा, ये बोले कि देख मैं ना एक दिन इसका बॉयफ्रेंड बन ही जाऊंगा, तो बन जाऊंगा मतलब कि अब परिवर्तन, अभी ना से हाँ में दुनिया भर का होगा खेल, और एक दिन बनकर तैयार, तो कैसे बोलेगा ये? I will become her boyfriend. चलिए दुनिया भर का खेल क्या होगा ये बताइए। अब उसका बॉयफ्रेंड बनने के लिए ये जाएगा, उसे झूठी झूठी बातें बोलेगा, प्रपोज करेगा, इम्प्रेस करेगा, गिफ्ट भी देगा, गिफ्ट देगा, हर एंगल से अपने आप को अच्छा साबित करेगा, मिलेगा, और लड़कियों को तो झूठ पसंद है, हाँ जी वाह वाह सबसे अच्छा लड़का, सबसे अच्छा लड़का, बस। और एक दिन जब ये बन जाएगी तब पता चलेगा सबसे खराब लड़का यही था, ये सच्चाई। व्हाट इज द इंग्लिश वर्ड ऑफ द पापड़ बेलना? पापड़ बेलना का मतलब वैसे तो पर्टिकुलर नहीं ट्रांसलेट कर सकते, मतलब कि हार्ड वर्क, सही मतलब, हाँ बहुत पापड़ बेलना पड़ा, मतलब कि बहुत सारा काम करना पड़ा, you know, struggle, कैसे कहते बाय हुक एंड बाय क्रूक वाली फीलिंग, मींस वही बोलेगा कि आई डिड
अ लॉट ऑफ स्ट्रगल टू अचीव इट, मतलब बहुत सारे पापड़ बेले. आई फेस हर्डल, हर्डल, एडवर्सिटी. क्या बोलते हैं एडवर्सिटी, क्या एक वर्ड होता है ना, एक वर्ड आता है ना कि बहुत सारी प्रॉब्लम को एडवर्सिटी, एडवर्सिटी एक बार देखना पड़ेगा. एडवर्सिटी सर, एडवर्सिटी है ना, कुछ ऐसा वर्ड है. बड़ा अच्छा, चलिए गाइस फाइन. तो अब किसी को बोलना है कि बेटा एक दिन तू पुलिस ऑफिसर बन जाएगा, तो वन डे ऑफिसर. तो इसको खत्म करते करते समझा दूं, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ समझने वाला ही समझेगा कि इन ऑर्डर टू बी एन एक्टर आई विल हैव टू बिकम एन एक्टर. समझ में आया? इसका मतलब ये हुआ कि समझने वाला ही समझेगा. बनने के लिए हर एक सिचुएशन से गुजरना पड़ेगा. यस, यानी कि एक्टर बनने के लिए मुझे एक्टर बनना पड़ेगा. हाँ जी, यानी कि यहाँ बी का मतलब है कि इस अवस्था को, बी मतलब अवस्था, कि जब मैं एक दिन एक्टर की अवस्था में होऊंगा, तो इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए पहले मुझे बनना पड़ेगा ना, बनना पड़ेगा अपने आप को, टीचर से मोल्ड करते करते, परिवर्तित होते 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 एक दिन. तो ये इससे पता चल गया ना कि बी और बिकम का डिफरेंस सब पता चल गया. यस, इन ऑर्डर टू बी एन एक्टर आई विल हैव टू बिकम एन एक्टर, देन आई विल बी एन एक्टर. पहले वाले स्टेट दिखा रहा है, लास्ट वाला हमारा जो मतलब हार्ड वर्क दिखा रहा है. यस, तो ये है व्हिच इज इन ऑर्डर आल्सो. ठीक, चल आप लोग ऐसा ऐसा डिफरेंस पूछ रहे हो ना, बड़ा मुश्किल होता है समझाना ये सब. हम सोचेंगे बी यानी ड्रीम कर रहा है, वो कुछ देख रहा है, वो सोच रहा है, और बिकम यानी वो स्ट्रगल कर रहा है, वो उसको जाने के लिए वो रास्ता बना रहा है, ऐसा कुछ. यस यस, सब वैसे समझ लीजिए. ओके, थैंक यू. किसी भी टेंस में, ये खाली फ्यूचर में आपको बी दिखाई दे रहा है ना, बाकी टेंस में अगर एक लड़का है, एक लड़का एकदम खराब बन गया, एकदम बुरा लड़का बन गया है, तो आपको बोलोगे ना, अरे यार तू बुरा बन गया है, तो यानी कि तू पहले अच्छा होगा तभी तो तू परिवर्तन होकर बुरा बन गया, तो सीधा क्या बोलोगे, यू हैव बिकम, कैसे बोलोगे यू हैव बिकम अ बैड बॉय. तो सिंपल है, वो बी कैसे बोलोगे, यू हैव बी तो बोल ही नहीं पाएंगे ना, तो बिकम ही यूज होगा अगर कोई एक अवस्था से दूसरी अवस्था को प्राप्त हो गया नाउन के अंदर, और अगर एडजेक्टिव है तो यू हैव गॉट, क्या बोलेंगे, यू हैव गॉट, यू हैव गॉट एक्साइटेड, यू हैव गॉट हैप्पी, ये सब. अब इन्होंने पूछा है इन ऑर्डर टू क्या होता है, तो इन ऑर्डर टू का मतलब होता है पर्पस. पर्पस हिंदी में क्या बोलते हैं, उद्देश्य, उद्देश्य. ओके, अच्छा, तो ये कुछ ऐसे होता है कि एक फ्लुएंट स्पीकर बनने के लिए आपको इंग्लिश सीखना पड़ेगा. यानी कि पर्पस क्या है हमारा, फ्लुएंट बनना, ये ना पर्पस. तो अब मैं कैसे बोलूंगा, ऐसे बोलूंगा कि इन ऑर्डर टू, अब बिकम आ गया ना, बिकम, इन ऑर्डर टू बिकम अ फ्लुएंट स्पीकर, यू विल हैव टू लर्न इंग्लिश. और पर्पस देखिए, वजन घटाने के लिए आपको जिम जाना पड़ेगा. In order to reduce the weight, lose भी कैसे करें? You have to lose weight. You will have to go to gym.
या डाइट फॉलो करना पड़ेगा ये सब. सर या रिड्यूस वर्ड नहीं चलता. वैसे इंसान मतलब वेट लॉस लूज वेट ये सब इतना मार्केट में फेमस है ना, तो इसीलिए रिड्यूस तो कुछ भी कम करना रिड्यूस है. ओके और सोचिए. इन ऑर्डर टू हेल्प हिम पर्पस था हेल्प करना. इन ऑर्डर टू हेल्प हिम I gave him some money. Okay. In order to become a good student, he worked hard. करता है किया? किया. He worked hard. Okay, इधर मेरी तरफ क्या डांडिया चल रहा है? शोर आएगा. ओके ठीक है, तो डाउट सेशन खत्म कीजिए. आप लोग बोलिए क्योंकि मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा, यहाँ शोर होने वाला है, हो ही रहा है इनफैक्ट. रेखा का डाउट कल कर लेते हैं, आज के लिए काफ़ी है. आप स्पीकिंग थोड़ा कर लीजिए, इतना बहुत स्पीकिंग कर लीजिए. चलिए मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करूँ, वैसे भी आधे घंटे की रिकॉर्डिंग.